जैसे जैसे दीपावली का त्योहार करीब आ रहा है, मिठाई बाजार में मिठाई को लेकर डिमांड काफी तेज हो रही है। सिर्फ मिठाई ही नहीं, दूध से बनने वाली चीजों के भी ऑर्डर काफी तेजी से आ रहे हैं। लेकिन कुछ मुनाफाखोर मोटी कमाई करने के लिए मिठाइयों में मिलावट शुरू कर देते हैं, तो कुछ महीने भर पहले से ही मिठाइयां बनानी शुरू कर देते हैं, जो बिकने के वक्त तक अंदरूनी तौर पर खराब हो चुकी होती हैं। आज न्यूज ने इसका रियलिटी चेक किया। गाजियाबाद के मिठाई बनाने वाले कारखाने में जब न्यूज की टीम पहुंची, तो वहां के हालात कुछ इस तरह थे। इतनी गंदगी में ये मिठाइयां बनाई जा रही हैं, जिससे बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। सभी संबंधित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अभी सूचना कलेक्ट करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। अभी सूचना के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। इन अधिकारी ने तो कार्रवाई करने की बात कह डाली, लेकिन अभी कार्रवाई सिर्फ कागजों में ही है। कहीं ना कहीं फूड सेफ्टी विभाग का भी रवैया हल्का देखने को मिला है, और मिठाई बनाने वाले लगातार भारी मात्रा में मिठाई बनाकर बड़ा स्टॉक करने में लगे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।